नेशनल प्लांट द्वारा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम नेशनल कैंपेन ऑन अमृता फॉर लाइफ। ये कार्यक्रम डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी फैकल्टी ऑफ साइंस एमएस यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा ऑर्गेनाइज कर रहा है, इसे इम्प्लीमेंट कर रहा है। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमें 2,00,000 पौधे बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग विस्तारों में देने का हम लोगों ने का एक गोल है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ अवेयरनेस करने का भी एक कार्यक्रम। अवेयरनेस में स्कूल के बच्चे, कॉलेजेस के बच्चे, यूनिवर्सिटीज के बच्चे, जो जनरल पब्लिक है, उन सबको अवेयरनेस करने का कार्यक्रम। हमारा प्रयास ये रहेगा कि ये 2,00,000 पौधे हम समाज के हर एज ग्रुप तक पहुँचाएँ, और उसी ध्येय के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं। समाज तक पहुँचाने के साथ उसका एक ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट था कि हम लोगों को बताएं कि ये बहुत अच्छा इम्यूनो मॉड्यूलेटर प्लांट है, इससे आपके इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग रखा जा सकता है, जो कि आपको वायरस से लड़ने की ताकत देता है। इतना ही नहीं, उससे आपके शारीरिक क्षमता आपकी बढ़ती है, जो भी आपकी पुरानी जड़ मूल से जो बीमारियां निकल नहीं रही उनसे लड़ने में फायदा करता है। जैसा कि गिलोय का बताया हुआ है, गिलोय ऐसी कोई बीमारी है ही नहीं जिसमें काम नहीं आता, इसलिए उसे अमृता कहा गया। तो हमारे लिए सबसे पहला टास्क था कि 2,00,000 गिलोय के पौधे हमको बनाने हैं। गिलोय के पौधे बनाने के लिए हमने हमारे एल्गोरिथम में एक जगह देखी, वो जगह के अनुसार सबसे पहले हमको नर्सरी बेड प्रिपेयर करने थे। नर्सरी बेड प्रिपेयर करने के लिए स्टार्टिंग में हमने हमारे जो प्रोजेक्ट अटेंडेंट थे उनके द्वारा साथ मिलकर हमने मैन्युअली नर्सरी बेड्स बनाए। अभी हमने गिलोय के पौधे बनाने के लिए गिलोय के कटिंग्स और सीड्स कलेक्ट करना हमको था। तो गिलोय के कटिंग्स और उसके सीड्स, यानी सीड्स हमने 2,000 ही कलेक्ट किए थे, बट कटिंग्स हमने 2,40,000 के अबव हमने कटिंग्स कलेक्ट की। गिलोय की कटिंग्स यानी उनका जर्म प्लाज्म हमने गुजरात के अलग अलग जिलों में जाके टोटल 17 प्रकार के जगह से हमने गिलोय के जर्म प्लाज्म कलेक्ट किए हैं। उसमें धर्मपुर, वलसाड़, कपराड़ा, वगई, फिर मांडवी, बारडोली, डेड़ियापाड़ा, आणंद, मही रिवर, फिर हमारे बड़ोड़ा के आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें से हमने ये जर्म प्लाज्म कलेक्ट किए थे। और भी हमने सौराष्ट्र में से जूनागढ़ और कच्छ में से भी हमने गिलोय के जर्म प्लाज्म कलेक्ट किए हैं।
काम हमने जो किया है वो हम लोगों ने बच्चों के लिए एनिमेटेड मूवीज के द्वारा। पॉपुलरली कॉल्ड गिलोय, दिस प्लांट्स डिकॉक्शन इज अ मैजिक फॉर्मूला दैट एनहांसेस द इम्यूनिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। Amrita originated from the drops of Amrit sprinkled to resurrect dead monkeys in Ramayana has innumerable medicinal properties and is considered as Amrit by Ayush practitioners. Guruchi Gur Rakshani. Jo gaon ke log hain unke liye street play ke dwara फिर स्कूल के बच्चों के लिए पेंटिंग्स, अलग अलग गेम्स, कविताओं के द्वारा ये पहुंचाने का प्रयास किया। जो अवेयरनेस कैंपेन किया था वो अंतर्गत हमने 25 स्कूल में जाके 1380 जितने स्टूडेंट्स को हमने गिलोय पौधों के बारे में हमने जानकारी दी है। गिलोय का पौधा क्या है वो हमने बताया और साथ साथ में हर एक बच्चों के हमने गिलोय के पौधे दिए। तारे जितना भी बड़ा वानर सेना हता एमाथी घणा बड़ा लोको छे ने बेभान थई गया, એટલે એને શું કહેવાય, મૂર્છિત થઈ ગયા। એ મૂર્છિત થયા ને અને જમીન પર ઢળી પડ્યા। और हमको इतना रिवर्ट भी अच्छा मिला है कि कई स्टूडेंट्स और कई टीचर्स ने हमको उनके फोटोग्राफ भी भेजे कि हमारे बच्चों ने आपके जो पौधे दिए थे वो लगाए और आज अच्छे से वो ग्रो हो गए। तो अमृता फॉर लाइफ विद एक्सपर्ट हेल्थ एडवाइस नाम की हमने एक वेबिनार सीरीज शुरू करवाई थी। इसमें हमने अलग अलग क्षेत्रों से एक्सपर्ट्स को बुलवा के उनसे गिलोय के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस कैंपेन के दौरान हमने एक श्लोक या फिर एक सूत्र को हमने काफ़ी प्रचलित कराया, वो था गुरुचि गुड रक्षण। गुरुचि गुड रक्षण का अर्थ ये होता है वो जो बीमारियों से बचाती है। तो हम जहाँ कहीं भी जाते थे तो लोगों से बुलवाते थे गुरुचि गुड रक्षण, इससे उनको पता चले कि गुरुजी एक पौधा ऐसा है जो हमें सारी बीमारियों से सुरक्षा देता है और हमें उसका सेवन करता है। किस प्रकार से उन्हें उपयोग में लाना है उनकी चर्चाएं की, जिसमें हमारे आयुर्वेदिक कॉलेजेस जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं उसमें उन्होंने बहुत सहायता की, खास करके अपने बड़ौदा आयुर्वेदिक कॉलेज, देन द आयुर्वेदिक कॉलेज फ्रॉम नाडियाड, राइट। ये ऐसे कॉलेजेस थे जिन्होंने हमें फॉर्मुलेशन बनाना सिखाया किस प्रकार से, जिसे कि समसिनी वटी की बात करूं मैं, वो कैसे बनाई जाती है, उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन लिए जाते हैं, विधिवत रूप से सिखाया। और ये पहली बार ऐसा हुआ कि एक कॉमन पब्लिक ने बनाना सीखा। इन सब चीज़ों को ध्यान देते हुए अगर हम सोचें तो एक गिलोय एक जो एक अमृत है जो कि हमें कई बीमारियों से लड़ने की ताकत देती है, ये हमारे हर रोज जीवन में आ सकता है उपयोग। और अगर इसमें हमारे देश के वरिष्ठ साइंटिस्ट जो लोग हैं और जो यंग जनरेशन है अगर इसमें और संशोधन करे
तो ये जो हमारा अमृत रूपी गोल्ड है, इसे हम अपने समाज के हर क्षेत्र में हर कोने तक ले जा पाएंगे और एक रोशनी, एक प्रकाशमान भविष्य की तरफ आगे देख पाएंगे। बस यही मैं आशा करता हूँ, आने वाले समय में अमृता सब लोग यूज़ करें और इसका जीवन में इससे जो आप सीखते हैं उसका अनुसरण करें और खुश। जय हिंद, जय भारत।